महत्वाकांक्षा है। तो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, प्रश्न पे प्रश्न बनता है। महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, शुरू और अंत का कोई सवाल नहीं है, होनी चाहिए। हम तो जीवन को एक मान के चल रहे हैं, इसमें शुरू और अंत का कोई चक्कर नहीं है। जो लॉ शुरू के लिए सही है वो लॉ अंत के लिए भी सही होना चाहिए, तभी आनंद में आ पाओगे। लॉ तो एक ही है, ऐसा हो नहीं सकता कि शुरू के 15 साल लॉ अलग है जीवन का और बाद के 25 साल लॉ अलग है जीवन का, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि फिर तुम खंडित कर रहे हो, देखो तुम फिर खंड में बांट रहे हो, फिर फंसे। इंटेलिजेंट हो क्योंकि तुम, थोड़ी समझदारी साइड पर रखो, तुम फंसोगे नहीं। तो दोस्त समझदारी बहुत फंसाती है, बहुत फंसाती है, अनुभव किया मैंने ऐसा। क्या कह रहा था मैं? महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सत्य की प्यास के लिए होनी चाहिए। शाबाश, बाकी जो है सब यूजलेस। शाबाश। जो महत्वाकांक्षा तुम्हें औरों से काट दें और स्वयं से काट दें, दो कौड़ी की फंसा देंगी वो जिंदगी में। फिर से बोलता हूँ, जो महत्वाकांक्षा तुम्हें दूसरों से काट दे और स्वयं से काट दे, दो कौड़ी की नरक बना देगी जिंदगी, आज नहीं तो कल, वक्त अवक्त की बात है। मगर जो महत्वाकांक्षा तुम्हें स्वयं से जोड़ दे और दूसरे से भी जोड़ दे, वो महत्वाकांक्षा करने योग्य है। तो इशू महत्वाकांक्षा में नहीं है, ये हम गलत समझ जाते हैं बहुत बार संन्यास की जर्नी पर, कि एम्बिशन गलत है, महत्वाकांक्षाएँ गलत हैं। डेफिनेशन चेंज कर लेते हैं आज थोड़ी सी। महत्वाकांक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा किस तरफ लगी है उसमें इशू है। तो एक एग्जांपल लें पिंकी माँ का भी एग्जांपल। मानते हैं अभी हम एक एग्जांपल के तौर पे कि इनकी महत्वाकांक्षा है ध्यान को बांटने की, इनकी महत्वाकांक्षा है कि ध्यान सब मित्रों तक जाए, हम सब उस ध्यान के की सुगंध का, उसके फूल का आनंद ले सकें। कैटेगरी क्या है? महत्वाकांक्षा। बट ये क्या कर रही है महत्वाकांक्षा? ये इनको इनसे भी जोड़ रही है और इनको सबसे भी जोड़ रही है, वननेस की तरफ लेके जा रही है वो महत्वाकांक्षा। बहुत सुंदर महत्वाकांक्षा है, होनी चाहिए इंशाल्लाह, सब में होनी चाहिए ये महत्वाकांक्षा।